हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है साहिब है, ये कूड़ों के ढेर में, गार्बेज मीन्स कूड़े, और जो डंप्स हैं वो ढेर हैं, इनमें क्या ढूंढता है, पहला क्वेश्चन। इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। वो है कहाँ, उसका बसेरा क्या है, कहाँ है, और वो आया कहाँ से है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। साहेब जो है, जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो कूड़ों के ढेर में या कूड़े के ढेर में गोल्ड तलाशता है, ऐसा उसने राइटर अनीस जंग से कहा है। ही लिव्स इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर। वो राइटर के पड़ोस में रहता है, अनीस जंग के पड़ोसी है वो। देन ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश विद हिज मदर इन 1971। और 1971 के बंटवारे में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो बांग्लादेश से वो अपनी माँ के साथ हिंदुस्तान आ गया। अगली इंटरेस्टिंग बात है, वो आया क्यों है। स्ट्रॉम स्विफ्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। तेज तूफान आए जिसमें उसका घर, उसके खेत सब तबाह हो गए, नष्ट हो गए। सो इसलिए दे माने उन्होंने लेफ्ट बांग्लादेश छोड़ा एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। 2 है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। बच्चे जो नंगे पैर टहल रहे होते हैं, इसके लिए ऑथर की ओर से क्या एक्सप्लेनेशन है। दो बातें यहाँ पर हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। एक तो ये कहानी है कि वहाँ की एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि नंगे पैर ही रहना चाहिए, और इस वजह से लोग नंगे पैर टहल रहे हैं, खासतौर से बच्चे। दूसरा है, इट इज़ नॉट पुअर्टी। एक्सक्यूज ये है कि गरीबी की वजह से नंगे पैर बच्चे नहीं हैं, इस वजह से नंगे पैर है कि वहाँ की ट्रेडिशन है, परंपरा है। शी वंडर्स इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन एक्सट्रीम पुअर्टी। यहाँ पर राइटर को इस बात का बड़ा आश्चर्य है, वंडर है कि सही मायनों में क्या सिर्फ परंपरा की वजह से बच्चे नंगे पैर हैं, या गरीबी की वजह से, या गरीबी को छुपाने का एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। शी ऑल्सो रिमेंबर्स अ स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय। उसे एक ऐसे बच्चे की कहानी भी याद आती है, हु प्रेड टू द गॉडेस, जो देवी माता को प्रार्थना कर रहा है फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करने से खुश है, इसको एक्सप्लेन करना है। पहले वो गार्बेज से चीज़ें उठाता था, उन्हें बेचा करता था, अब एक दिन ऑथर ने उसे टी स्टॉल के लिए काम करते देखा है, एक स्टील कैनिस्टर अपने सर पर रखें। आंसर देखिए, नो, नहीं, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब टी स्टॉल पर काम करने में खुश नहीं है, हालांकि उसे 800 रुपये मिलते हैं हर महीने। ही इज़ अ सर्वेंट नाउ, क्योंकि वो अब नौकर बन चुका है। व्हेन ही कैरीज अ प्लास्टिक बैग ही फील्स लाइक ए मास्टर। जब वो अपने कंधे पर प्लास्टिक का थैला टांग के चलता था, जगह जगह से कूड़े से चीज़ें बटोरता था, तो वो अपने आप को मालिक समझता था, एक मास्टर फीलिंग थी। लेकिन अब नाउ ही कैरीज अ स्टील कैनिस्टर, अब वो जो स्टील का कनस्तर लेके चल रहा है, विच बिलोंग्स टू हिज मास्टर, जो इसके मालिक का है, तो अब उसके अंदर एक सर्वेंट फीलिंग है मालिक की, नहीं, इसलिए वो खुश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश का क्यों प्रसिद्ध हुआ। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग है, जहाँ पर चूड़ी निर्माण होता है, शीशे की चूड़ियाँ बनती। फैमिलीज हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर जनरेशन्स। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्क की गई है
क्योंकि ये ट्रेडिशन के तौर पर है, इसलिए एक लाइन मैंने मेंशन की है कि यहाँ पर परिवार हैं जो जनरेशन से, पीढ़ियों से इसी काम को कर रहे हैं और वो इसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज हु वर्क इन द बेंगल इंडस्ट्री। चूड़ियों का जो एक कारोबार है, वहाँ पर कारखाने हैं फिरोज़ाबाद में, उसमें एक मुकेश नाम का लड़का है 15 साल का। ये बड़ा ही अपील करता है राइटर के लिए, ऑथर के लिए, अनीस जिंग के लिए, उसके बारे में है, इसमें क्या डिफरेंस है दूसरों से। तो मुकेश हैज़ बीन टॉट बाय हिज फादर द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग या मेकिंग ऑफ बेंगल्स। तो उसके पास पिताजी से यह ख़ानदानी कारोबार है कि चूड़ियाँ बनाने का काम उसने सीखा है, लेकिन बट ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन उसे मैकेनिज्म पसंद है और वो मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता है। ही विल गो टू द गैरेज, वो गैरेज जाएगा एंड वहाँ जाकर वो कुछ सीखेगा, सीखना चाहता है। दो यद्यपि राइटर ये भी इसमें मेंशन करता है, द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से गैरेज की दूरी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि उसका ये पैशन है, उसका शौक है, तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, अब बेंगल इंडस्ट्री से दूर जाना चाहता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। डू अ ह्यूज केयर अबाउट योरसेल्फ। बाय।